अगर आपको भी घर पर खिली खिली सी वेज चाउमीन बनानी है ना, तो बस इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसे सीखने के बाद आप बाजार से चाउमीन नहीं खाने वाले हैं, आप तो इसे घर में ही बना के खाने वाले हैं। और तो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बाजार से लाई गई है या फिर घर में बनाई गई है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं ठेले वाली वेज चाउमीन। सबसे पहले तो आपको एक बड़े बर्तन के अंदर पानी को बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपको लेनी है नूडल्स। अगर मार्केट में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ले सकते हैं इसे। नूडल्स डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिए और इसे बॉईल कर लीजिए। कितनी देर के लिए? सिर्फ 5 मिनट के लिए। इससे ज्यादा बॉईल आपको इसे नहीं करना है बिल्कुल भी। अब देखिए, जैसे ही 5 मिनट हो जाए ना, आप बस गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप इस नूडल्स को छान लीजिए। छानने के बाद आपको एक काम करना है, पता है क्या करना है? आपको ठंडे पानी से एक बार इसे धो लेना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इस नूडल्स की ना जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और ये ओवर कुक नहीं होंगे। यही प्रोसेस आपको भी दोहराना है ताकि अगली बार जब भी आप चाउमीन बनाए ना, तब वो ना तो चिपके और ना ही वो टूटे। फिर जब पूरी तरीके से इसमें से पानी निकल जाए ना, तब आप इसके अंदर ऑयल लगा लीजिए ताकि ये आपस में चिपके ना। फिर इन सब को अच्छे से मिक्स करिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ये था नूडल्स का बॉइलिंग प्रोसेस। अब देखिए, ये है वेजिटेबल जो कि अभी वेज चाउमीन बनाने में काम आने वाली है, जिसमें हमारे पास है स्लाइस किया हुआ अनियन, कैप्सिकम और कैबेज। इसके अलावा है स्प्रिंग अनियन। ये तो थी हमारी सारी वेजिटेबल्स। इसके अलावा भी आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप एक कढ़ाई लीजिए, फिर उसके बाद उसमें डालिए ऑयल। फिर जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, आप इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लीजिए। और वेजिटेबल्स डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालिए, ये आपके टेस्ट को और एनहांस कर देगा। फिर इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी आपको इसे पकाना नहीं है, क्योंकि पकाएंगे तो ये गल जाएगा और वेजिटेबल्स गली हुई चाउमीन के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब बारी है सॉसेस डालने की। सबसे पहले हमने डाला है सोया सॉस, इसकी क्वांटिटी आपको अच्छी ही रखनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने इसमें डाला है रेड चिली सॉस और थोड़ा सा टमाटो केचप। इसके साथ साथ डाला है विनेगर भी। और अब जो हम इसमें डालेंगे ना, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि है सिजवान चटनी। बस एक बार आप इसे नूडल में ऐड करके देखिए, जान आ जाएगी आपके नूडल्स के अंदर। फिर आपको एकदम हाई फ्लेम के अंदर इसे टॉस करना है। हाई फ्लेम के अंदर हम इसे टॉस इसलिए करेंगे ताकि आपकी जो वेजिटेबल्स है वो पानी ना छोड़े, और जब पानी नहीं छोड़ेंगे आपकी वेजिटेबल्स तो गलेंगी नहीं, इसलिए ये क्रिस्पी ही बनेंगी। और इसे पकाना भी आपको ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाना है। फिर तकरीबन 1 मिनट टॉस करने के बाद आप इसमें नूडल्स भी ऐड कर लीजिए, और नूडल्स के साथ साथ स्प्रिंग अनियन भी, अगर ये नहीं है तो धनिया। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि नूडल्स को मिक्स करना ही ना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होती है। अगर इसे ध्यान से नहीं किया जाए ना, तो ये टूट के खिचड़ी बन जाती है। इसका सिंपल तरीका तो यही है, एक हाथ में फोक होना चाहिए और एक हाथ में स्पैचुला, फिर इन सब को एक साथ उठा के पीछे की तरफ डालना है। ये प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ घर के लिए है, होटल्स के अंदर इसके लिए एक अलग लैडल होता है। फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, आप इसके अंदर स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप इसे सर्व कर दीजिए। रेडी हो जाएगा आपका ठेले वाला वेज चाउमीन। तो कैसी लगी आपको हमारी ये ठेले वाली वेज चाउमीन की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो बस अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और 10,000 सब्सक्राइबर आपको जल्दी से लेके आना है, ताकि मैं आपको जल्दी से ये गिफ्ट हैम्पर्स भेज सकूँ, है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।